आज स्टूडियो वन में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बीट या सॉन्ग क्रिएट होता है, और साथ में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि अरेंजर ट्रैक, जो स्टूडियो वन का एक बहुत पावरफुल फीचर है, वो हमको हेल्प करता है सॉन्ग को अरेंज करने में। साथ में एक और बहुत पावरफुल फीचर है, दैट इज स्क्रैच पैड। तो अरेंजमेंट में स्क्रैच पैड का भी क्या रोल है, वो भी हम देखने जा रहे हैं। ये सॉन्ग एक सिर्फ आइडिया के लिए है, और आइडिया किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है स्टूडियो वन के अंदर एक बीट क्रिएशन में, एक सॉन्ग क्रिएशन में, वो हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बेस रिफ रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैं ऑडियो में बाउंस कर लेता हूं, और एक पर्कशन इसके ऊपर जो है ट्राई करते हैं। फाइन, इसको भी बाउंस कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब कुछ किक्स को ट्राई करते हैं। इसको भी हम ऑडियो में बाउंस कर लेते हैं, और नेक्स्ट हम यूज करते हैं गिटार। फाइन, गिटार का मैं इंट्रो बना लेता हूं, और ऐड करते हैं कुछ स्ट्रमिंग। इसे बाउंस करते हैं। ओवरड्राइव गिटार, और इसमें थोड़ा सा इफेक्ट। हेडफोन्स लगा के जरूर सुनिएगा, मजा आएगा। चलते हैं आगे, एक और ओवरड्राइव लीड। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। एक ड्रॉप डिजाइन करते हैं, इसके ऊपर कुछ लेयर करते हैं, सॉर्ट ऑफ एफएक्स, और एंड में एक सिंथ का फिल। इसके ऊपर एक बेस जो है लेयर करते हैं। और इसको जो है इंसर्ट कर देते हैं बेस के ट्रैक पे। तो एग्जांपल के लिए जो सॉन्ग के अंदर मैंने पार्ट डिजाइन किया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए सुनते हैं इसको। साथ में बता दूं कि मैंने वोकल्स की भी लेयर ऐड करी है, तो देखते हैं कि वो भी किस तरीके से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। आखिर तक बने रहिएगा। फाइनली अच्छा खासा ये स्क्रैच तैयार हो चुका है। बेसिकली ये गाने का जो सॉन्ग का आइडिया है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या इसे बनाने वाले हैं। और सेकेंडली अब मैं इसको रीअरेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वोकल की मेलोडी लाइन भी डाली है। थैंक्स टू खुर्रम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इसके गाने के कुछ पार्ट्स के लिरिक्स लिख दिए थे। तो हम दोनों ने मिलकर, कुछ पार्ट उन्होंने और कुछ पार्ट मैंने, दोनों ने मिलकर इसको एक मेलोडी में डेवलप कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर उस मेलोडी को रखने वाले हैं। अब आते हैं हम अरेंजर ट्रैक के ऊपर कि इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे। चलिए चलते हैं इस हैमबर्गर आइकन पर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ सीधे अरेंजर। टूल बार से पिक कर लेते हैं पेन टूल, और अरेंजर पार्ट जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली ये मेरा गिटार का इंट्रो है, उसके बाद फिर हमारा रिदम गिटार है,
और उसके बाद हमारा ये दो सेक्शंस हैं, तो अभी मैं इसको फ़िलहाल मेलोडी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मेरा ड्रॉप है, और ड्रॉप के बाद अगेन हमारा सोलो है। चलिए चलते हैं अरेंजमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करते हैं, और आते हैं अरेंजमेंट लिस्ट पर, और इसको जो है रीनेम कर देते हैं डबल क्लिक करके, गिटार इंट्रो। ओके, उसके बाद इंट्रो टू, नेक्स्ट है हमारा मेलोडी जिसपे अभी आप ओवरड्राइव गिटार सुन रहे हैं फिलहाल। ये हमारा ड्रॉप है, रीनेम कर देते हैं, ये ड्रॉप हो गया, और ये हमारा सोलो है, बेसिकली हारमोनियम सोलो, तो इसको सोलो लिख देते हैं। मेरे दिमाग में जो प्लान है इसको रीअरेंज करने का, वो ये है कि ये सोलो जो सेक्शन है इसको मैं पहले म्यूट करता हूँ, और अब सुनते हैं कि हमारा वोकल्स जो मैंने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में ऐसी गा दिए हैं इनको सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। धोखा धोखा सा हुआ है या आंखों से कुछ है कहा, धीरे धीरे से चला ये दिल न कर यूं मशगला। चलिए चलते हैं अगले बहुत ही पावरफुल फीचर जो है स्टूडियो वन का, वो है स्क्रैच पैड। देखते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से स्क्रैच पैड हम असाइन करेंगे, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक और विंडो ये मेरी खुल गई है, और यहाँ पर मैं एक और सेशन जो है अपना डिज़ाइन कर सकता हूँ प्रीवियस सेशन के अंदर, ताकि मेरे आइडियाज़ जो भी मैं यहाँ पर वर्कआउट कर सकता हूँ उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो चलते हैं स्क्रैच पैड पर, और मैं ये दो सेक्शन लास्ट के जो है इन्हें मेरे बेसिकली हटा के स्क्रैच पैड पे डालना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, या फिर इसको बंद कर देते हैं, इन दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी टू या मूव टू न्यू स्क्रैच पैड। तो अब देखेंगे कि एक स्क्रैच पैड खुल चुका है यहाँ पे, उसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। तो इसको मैंने रीनेम कर दिया है, अब इसको बंद कर देते हैं, और अपना जो मेलोडी वाला पार्ट है इसको उठाते हैं और इसको कॉपी कर देते हैं अगले वाले सेक्शन में, और इसको जस्ट हाफ कर देते हैं। अब हमको इन गिटार की मेलोडीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सुनते हुए आते हैं और अपने गिटार पार्ट्स को जो है अनम्यूट कर लेते हैं। बैठे हम साथ साथ रोशन कहकशां के नीचे जीले तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है, और मैं चाहता हूँ कि अब जो है इसके आगे मैं अपना ड्रॉप जो मैंने स्क्रैच पैड में सेव किया था उसको लगा दूँ। तो चलिए स्क्रैच पैड को खोलते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको मेन सेशन के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। चलिए अब सुनते हैं। अपने गिटार्स के सोलोस को हम दोबारा से अपने अरेंजर ट्रैक में इंक्लूड कर लेते हैं और रीनेम कर लेते हैं। एक फीचर और दिखाता हूँ मैं अरेंजर ट्रैक का आपको। मान लीजिए कि आपके पास ये अरेंजर ट्रैक बन चुका है आपका, और आप सेक्शंस चेक करना चाहते हैं कि आपके अलग अलग कैसे सुनाई देने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट जो है हमारे अरेंजर ट्रैक की वो क्रिएट हो चुकी है, और इस लिस्ट के अंदर अगर मैं किसी भी पार्ट को डबल क्लिक करता हूँ तो देखिएगा, इसके बाद अगर मैं मेलोडी के पार्ट पे जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि वो धोखा धोखा सा हुआ है या आंखों से कुछ है।
इनफैक्ट इस सॉन्ग के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप डायरेक्ट जम करके ऑडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्रॉप पे जाता हूँ तो वो सीधा ड्रॉप के पहले बार पे ऑडिट करेगा। तो स्क्रैच पैड जो है आप एक ही नहीं कई सारे असाइन कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए। तो बस उसके लिए सिंपली आपको स्क्रैच पैड में जाना है और वहाँ जाके आपको इसको एक ऐड स्क्रैच पैड करना है, तो ये एक और नया स्क्रैच पैड ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल स्क्रैच पैड्स ऐड कर सकते हैं और बहुत सारे आप अपने सेक्शंस को अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आपने देखा कि एक सॉन्ग को मैंने अरेंज किया, कंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर मेलोडी लाइन डाली, इवन वोकल्स की लेयर भी डाली। तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। स्टूडियो वन हमें किस तरह से मदद करता है ये आपने देख ही लिया। तो आप जाइए और नए नए सॉन्ग्स की क्रिएशन करने में लग जाइए। थैंक यू सो मच।